नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कस्बे के प्राचीन महादेव मंदिर स्थित सरोवर पर छठ पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा तालाब के जल में खड़े होकर पूजा अर्चना की गई और सूर्य के दर्शन के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देकर प्रसाद का वितरण किया गया। सोमवार को कस्बा जानसठ के प्राचीन महादेव मंदिर स्थित सरोवर पर छठ पर्व का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं, पुरुष व बच्चों ने जल में खड़े होकर पूजा अर्चना की और उसके उपरांत सूर्य के दर्शन कर सूर्य नारायण भगवान को जल देकर प्रसाद का श्रद्धालु को वितरण किया। बताया जाता है कि यह पर्व दीपावली के 6 दिन के बाद शुरू होता है। इसमें सबसे पहले नहाए खाए का दिन होता है, दूसरे दिन खरना का दिन होता है और तीसरे दिन श्रद्धालुओं के द्वारा ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, तो वहीं उससे अगले दिन श्रद्धालुओं के द्वारा उगते हुए सूर्य का स्वागत जल देकर किया जाता है। इस तरह 4 दिवसीय छठ पूजा अपनी भव्यता पर आकर समाप्त हो जाती है। इस दौरान मुख्य रूप से नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना, सरदार अजीत सिंह छापड़ा, सीताराम शर्मा, पुष्पराज पंवार, सौरभ भारद्वाज, विभा सिंह आदि मौजूद रहे। आज का पर्व है माता छठ मैया का, ये 3 दिन पहले शुरू होता है, नहाए खाए शुरू होता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अलग चलता है शाम के टाइम, और आज जो सुबह वाला है ये आज 6-7 समाप्त होगा। सूर्य देव की पूजा होगी, हो चुकी है। इसी के साथ साथ ये मैं लगभग जानसठ में 2003 से करता हूँ और आज यहाँ जो घाट पे जो प्रोग्राम बना है महादेव मंदिर पे, ये पहली बार हुआ है। ये हमने हमारे प्रधान जी हैं प्रवीण तंवर जी, इनसे कहा गया, इन्होंने जल की व्यवस्था करी सरोवर में और इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शांतिपूर्वक से हमारा ये पर्व सही हो, और मैं तो ये कहता हूँ सभी को, हिंदू जितने भी हैं हमारे, इन्हें सबको करना चाहिए। पर बहुत महान पर्व है, विश्व में देखो जाकर हर जगह होता है, जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ ये पर्व जरूर होगा, और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।